हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर वायरस पढ़े थे, ठीक है ना। कंप्यूटर वायरस कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम में आते हैं। अब हमें पढ़ना है मालवेयर, ठीक है ना, जिसे जिसका पूरा नाम होता है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मैं आपके सामने वीडियो में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि थियोरेटिकल पॉइंट देंगे, ठीक है ना, साउंड क्लियर नहीं आ पाता है, इसलिए मैं बिल्कुल मोबाइल के पास में खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मालवेयर का पूरा नाम है मेलिशियस सॉफ्टवेयर। यह भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैगा जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाता हैगा, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने कल वायरस पढ़े थे, उसी तरीके से ये भी क्या हैगा, सॉफ्टवेयर हैगा जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। मिलीशियस सॉफ्टवेयर का मतलब खराब सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता, जो एक बार यदि आपके सिस्टम पर आ गया तो आपके सिस्टम को पूरी तरह से खराब कर सकता है, ठीक है। मालवेयर में, मिलीशियस सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो अगर आप एक बार आपके सिस्टम में अगर आ गए हैं वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो आपका सिस्टम जब तक खराब नहीं होगा तब तक वो महे से नहीं जाते। यह एक ऐसा वायरस है जो आपके सिस्टम के डाटा को धीरे धीरे खत्म करने लगता है, ठीक है। जितना भी हमारे डाटा स्टोर कर रखा आपने, फोटोज, वीडियो, जो भी चीज़ आपके मोबाइल में है, कंप्यूटर में है, ठीक है ना, धीरे धीरे उसको क्या करता है, खत्म करते जाता है। यह एक तरह का दूषित सॉफ्टवेयर है जिसका एक ही मकसद होता है, लोगों को कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाना, ठीक है ना। क्या क्या नाम है इसका, सिर्फ लोगों के जो कंप्यूटर होते हैं उसको नुकसान पहुंचाना, इसके अलावा इसका कोई मोटिव नहीं रहता है। या तो ये सभी को नुकसान पहुंचाता है या फिर किसी एक व्यक्ति को ही नुकसान पहुंचाता है जिसे के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसके और भी बहुत सारे पॉइंट बताए गए हैं, जैसे लिखा है इसका डाटा चुराना, ठीक है ना, आपका जो भी सीक्रेट है, प्राइवेसी डाटा है उसको चुराना, आपका पासवर्ड निकालना, कंप्यूटर के डाटा को मिटाना, ठीक है ना, या फिर डिलीट कर देना, ये सब इसके काम होते हैं, ठीक है ना। पहला काम डाटा चुराना, दूसरा काम पासवर्ड चुराना, तीसरा काम आपका जितना भी डाटा है उसको नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना या डिलीट कर देना, ठीक है ना। ये वायरस ऑटोमेटिक नहीं बनता है, जो मॉलवेयर हैगा, मिलीशियस सॉफ्टवेयर है या वायरस का होता है, ऑटोमेटिक नहीं बनता है, इसे बनाया जाता है, ठीक है ना, किसी डेवलपर या फिर हैकर के द्वारा इसे क्या करा जाता है, मालवेयर को बनाया जाता है। अब यहाँ पर मालवेयर के हमारे पास में कुछ टाइप्स दिए गए, ठीक है ना। पहला दिया है ट्रोजन हॉर्स, क्या होता है। ट्रोजन हॉर्स एक हानिकारक कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम है जो कि हमारे सिस्टम को नियंत्रण कर लेता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपी तो नहीं बना सकते, परंतु इस वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ट्रोजन से कंप्यूटर को काफ़ी खतरा है, जिसे आज यह एक खतरनाक वायरस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है जो एक खतरनाक वायरस है, नॉर्मली बात है, मालवेयर में जितने भी नाम दिए गए हैं हमें चार नाम, अगर मालवेयर खराब हैगा उससे भी नुकसान है, तो चारों वायरस से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये चारों चीज़ें क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे क्या होता है, हमारा डाटा चोरी होता है, पासवर्ड गायब हो जाता है, हम पे निगरानी रखी जाती है, सभी होता है, ठीक है ना। ट्रोजन को लोग धोखे से डाउनलोड कर लेते हैं यह सोच करके फाइल सही है, परंतु ऐसा नहीं होता, यह तो लोगों को फंसाने की ट्रिक है। एक ट्रोजन सिस्टम की फाइल तथा डाटा को डिलीट कर सकता है। अब ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, नॉर्मली आपको मिलती जुलती फाइल दिखाई जाती है, ठीक है ना। अगर आपने कोई एप्लीकेशन सर्च करी है, आपने कोई सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ भी सर्च करी है, ठीक है ना, और आप उसको डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है ना, सेम वैसी ही रहेगी जैसी ओरिजिनल हैगी, बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस रहता है जो हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, और फिर उसे डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना, डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद में वो क्या करता है, हमारे एक बार डाउनलोड होने के बाद में हमारे कंप्यूटर में बैठ जाता है, फिर आप उसको डिलीट भी करते हो तो वो डिलीट नहीं होता है ना, वहाँ से ख़त्म होता है जब तक आपका पूरा डाटा डिलीट ना हो। नेक्स्ट आता है वॉर्म्स। वॉर्म्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस की तरह ही होता है, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं। यह एक बार हमारे कंप्यूटर पर आ जाते हैं तो हमारे कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं। इन्हें एक कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में जाने में किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये स्वयं ही दूसरे कंप्यूटर में फैल जाते हैं। वॉर्म्स नेटवर्क का प्रयोग कर अपनी कॉपी दूसरे कंप्यूटर को भेजता रहता है। वॉर्म्स नेटवर्क में ईमेल, वेब पेज तथा चैट मैसेज के द्वारा फैल सकता है। अब वॉर्म्स है, ठीक है, अगर एक बार आपके कंप्यूटर में ही आ गया तो इसका पहली बात थी कि इसे वायरस आपको पता नहीं चलते कि हमारे मोबाइल में वायरस है या कुछ भी हैगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड स्लो कर देगा, उसके बाद ये धीरे धीरे कभी भी किसी के भी कंप्यूटर में चला जाएगा बिना किसी परमिशन, मतलब
ईमेल के साथ चला जाएगा, आप चैटिंग कर रहे हो उसके साथ चला जाएगा, आप कॉलिंग के सॉरी मैसेज वगैरह भेज रहे हो उसके साथ चला जाएगा, ठीक है ना, ईमेल वगैरह भेज रहे हो उसके साथ चला जाएगा। ये कभी भी किसी के साथ भी दूसरे के कंप्यूटर में जाकर वायरस फैला सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी कंप्यूटर में यूज़र की इजाज़त के बिना ही इंस्टॉल हो जाता है और गुप्त रूप से उसे कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को देता है, ठीक है। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिना परमिशन के, ठीक है ना, आपके मोबाइल में आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और आपकी जितनी भी पर्सनल जानकारी हैगी वो उसके मालिक को, मतलब जिस व्यक्ति ने भी वो स्पाईवेयर आपके मोबाइल में पहुंचाया है, कंप्यूटर में पहुंचाया, उसको आपकी पूरी डिटेल दे सकता है। आप कब क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहेंगे, ठीक है ना, क्या काम कर रहे हैं, डाटा का कैसे यूज़ कर रहे हैं, सारी जानकारी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर स्पाईवेयर का जो यूज़ होता है ना, एक बड़ी बड़ी कंपनियों में भी इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। कंपनी के ओनर भी खुद स्पाईवेयर वायरस बनवा के हैकर से, डेवलपर से और अपने जितने भी वर्कर होते हैं उनके कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं कि यार वर्कर आपके वहाँ इतने सारे हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, उनका जो डाटा उसका कैसे यूज़ हो रहा है, ये सारी जानकारी मालिक तक पहुँचा देते हैं, ठीक है ना। आपको नहीं पता चलता कि आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर ऐसा कुछ वायरस हैगा, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट हैगा, आपको नहीं पता हैगा, बट मालिक तक आपकी पूरी डिटेल, आप किसी भी कंपनी में जाते हो तो आपकी पूरी डिटेल उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। आप उनके कंप्यूटर में क्या कर रहे हो, आपने तो बोल दिया कि मैं काम कर रहा हूँ, बट उनको सब पता है कि आप कंप्यूटर में क्या कर रहे होगे, ठीक है ना, आप गेम खेल रहे हो, आप चैटिंग कर रहे हो, सारी जानकारी उन तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। तो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां भी इसका यूज़ करती हैंगी, बाकी तो नॉर्मली ये किसी की जानकारी चुराने या फिर उस पर नज़र रखने के लिए ही बनाया जाता है स्पाईवेयर। नेक्स्ट आता है हमारा एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो प्रोग्राम को रन होने पर उसमें एडवर्टाइजिंग बैनर प्रदर्शित करता है। आमतौर पर एडवेयर कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये एंड्रॉयड डिवाइस में भी पाए जाते हैं। जब हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो एडवेयर स्वचालित रूप से आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो सकते हैं और पॉपअप विंडो के माध्यम से इनको देखा जा सकता है। विज्ञापन के लिए कंपनियां एडवेयर का भी यूज़ करती है। आप कभी भी कोई सी भी चीज़ यूज़ करते हो तो अचानक से उसके ऊपर नीचे बीच में एडवर्टाइज आने लग जाते हैं, ठीक है ना। आप कोई एप्लीकेशन गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हो, ठीक है ना, आपने सर्च करी उसके साथ में बीच में ऐड आ जाना है, कोई न्यूज़ पढ़ रहा हो तो उसमें बीच में ऐड आ जाना, पॉपअप विंडो ओपन हो जाना, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, एडवेयर ही होते हैं, ठीक है ना। इसी के द्वारा ही कंपनियां भी इसका यूज़ किसके लिए करती है, विज्ञापन के लिए, एडवर्टाइजिंग के लिए, ताकि आप कभी भी कोई सी भी एप्लीकेशन रन करो, कोई गेम खेलो या कुछ भी करो तो उसमें आपका क्या कर देते हैंगे, एडवर्टाइज लाने के लिए एडवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मली येगा कभी भी कैसे भी डाउनलोड हो जाते हैं एडवेयर आपके उसमें, ठीक है ना। लाइक ऐसा होता है ना, कभी कभी आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो वो गलती से क्लिक हुआ, क्योंकि नॉर्मली बहुत छोटी साइज के रहते, गलती से क्लिक हुआ और वो डाउनलोड हो जाता, आपको पता भी नहीं चलता। लाइक आप किसी और का सोच रहे हैं कि यार मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है ना, और ऐड आ गया, ठीक है ना, आपने ऐड पे क्लिक कराएगा और जब तक आप उसको कैंसिल करते इतनी देर में तो वो डाउनलोड हो जाता है एडवेयर, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा एडवेयर, क्लियर है। मालवेयर, मेलिशियस सॉफ्टवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, स्पाईवेयर और एडवेयर, चार नाम थे, चारों नाम हमारे यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब कल से हम प्रिवेंटिव मेजर्स, नेटवर्क सुरक्षा निधि, ठीक है ना, जो इंडिया में कौन कौन सी नेटवर्क के सुरक्षा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जाती है, ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।